प्रदेश के इंदौर में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें एक सेक्स रैकेट के मुखिया ने 75 से ज्यादा बांग्लादेशी लड़कियों से शादी की है, जबकि उसने 200 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें कॉल गर्ल बनाया है। एमपी में इंदौर पुलिस द्वारा पकड़ी गई बांग्लादेशी लड़कियों के तस्कर मुनीर उर्फ मुनिरुल ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बीते 11 महीनों में ऑपरेशन चलाकर 21 बांग्लादेशी लड़कियों को रेस्क्यू किया है। मुख्य आरोपी मुनीर फरार था, जिसे सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बांग्लादेश और भारत की पोरस सीमा पर नाले के रास्ते लड़कियों को लाते थे और सीमा के पास छोटे से गांव में एजेंटों के जरिए लड़कियों को मुर्शिदाबाद और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भारत में प्रवेश करने के लिए लाते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी बांग्लादेश से 200 से ज्यादा बांग्लादेशी लड़कियों को लाकर सेक्स के कारोबार में धकेल रहे थे। वे हर महीने 55 से ज्यादा लड़कियों को लाता था। वे 5 साल से इस धंधे में है। आरोपी अब तक 75 लड़कियों से शादी भी कर चुका है। गुरुवार को इंदौर SIT ने मुनीर को सूरत से गिरफ्तार किया। इस मामले में सागर उर्फ संडो, आफरीन, अमरीन व अन्य को आरोपी बनाया गया था। मुनीर फरार हो चुका था, उसे सूरत से अब पकड़ लिया गया है। पुलिस ने मुनीर पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था और वे बांग्लादेश के जसोर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक वे ज्यादातर लड़कियों से शादी करता था और फिर उन्हें भारत लाकर बेच देता था। इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। मुनीर से पता चला है कि सेक्स रैकेट से जुड़ा गिरोह लड़कियों को पहले कोलकाता फिर मुंबई में ट्रेन कराता था। इसके बाद मांगने पर वे देश के अन्य शहरों में लड़कियों को भोपाल और अन्य शहरों में सप्लाई करता था। वहीं लड़कियों को मुंबई भेजने से पहले उनके सभी दस्तावेज रख लिए जाते थे, ताकि उनकी पहचान खत्म की जा सके और लोगों को ये ना लगे कि लड़कियां बांग्लादेश की हैं। इसके बाद इन्हें सूरत के स्पास सेंटरों के अलावा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, पुणे, मुंबई भेज दिया जाता था।